होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाइन न्यूज। और नेक्स्ट वाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड गॉसिप। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस गॉसिप में ऐसी सारी खबरों के बारे में जो बी टाउन की गलियारों में फैल रही है। तो इसी के साथ आप सभी को बता दें, आज हम ऐसी गॉसिप लाए हैं जो हमेशा चलती चली आ रही है। वेल, आज हम यहाँ बात करेंगे ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में और दूसरी तरफ दबंग सलमान खान के बारे में। भाई, इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि इनके बीच क्या था। जी हाँ, एक टाइम पर इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, लेकिन एक बहुत ही बुरे नोट पर आकर इनका रिलेशन खत्म हुआ। और आज भी इनसे कई तरह के सवाल कर लिए जाते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। और सोचिए, कई दफ़ा बचते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब जब सलमान से ऐश्वर्या को लेकर सवाल किया गया है तो बड़े ही कामली और आराम से वो सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं। वहीं जब बात ऐश्वर्या राय बच्चन पर आती है तो या तो वो सवालों को इग्नोर कर देती हैं या फिर उनका रिएक्शन ही कुछ और होता है। तो ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से सुनाने वाले हैं जहाँ पर सलमान खान के सामने जब जब ऐश्वर्या का नाम आया तो तब तब उन्होंने क्या क्या कहा। सलमान खान इन दिनों अपने फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ वो अपने जीजा यानी कि आयुष शर्मा की फिल्म लवरात्रि को प्रमोट भी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सलमान खान जब भी किसी मौके पर मीडिया के सामने आते हैं तो अक्सर सलमान खान से ऐसे सवाल कर लिए जाते हैं जिनका जवाब लोगों को लगता है कि शायद वो ना देना चाहें, लेकिन सलमान हमेशा ही हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आते हैं और कभी भी किसी सवाल का जवाब देने में वो पीछे भी नहीं हटते। ठीक इसी तरह से आज हम आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से मौके रहे जब सलमान को याद आई ऐश्वर्या। जी हाँ, ऐसे कई बार हुआ है, कई दफ़ा हुआ है जब सलमान के सामने ऐश्वर्या का नाम आया हो और साथ ही साथ वो नाम कुछ इस तरह से लिया गया जिससे लोग ये सोचने लगे कि सलमान ऐश्वर्या के सवालों को कर देंगे इग्नोर। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सलमान के सामने जब जब नाम आता है ऐश्वर्या का, सलमान बड़े ही आराम से उन बातों का दे देते हैं जवाब। आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले सलमान से लवरात्रि के प्रमोशन में एक सवाल किया गया था। जी हाँ, उनसे ये पूछ लिया गया कि आपका नवरात्रि का सबसे यादगार लम्हा क्या है। अब जब भाई उनसे नवरात्रि को लेकर यादगार लम्हा पूछा गया है तो जाहिर सी बात है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ता है, क्योंकि हर किसी को याद है फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के कई ऐसे सीन्स दिखाए गए थे और साथ ही साथ वो फिल्म एक गुजराती बैकग्राउंड पर बेस्ड थी और साथ ही साथ बात करें तो इसमें भी नवरात्रि का सीन था। तो ऐसे में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जाकर ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ रहा था। तो आप सभी को बता दें तो इस पर सलमान ने बिना किसी झिझक के बोल दिया, हम दिल दे चुके सनम मेरे लिए नवरात्र का सबसे यादगार लम्हा है, खास करके ढोल बाजे। जी हाँ, सलमान ने कहा हम दिल दे चुके सनम, जो कि एक सलमान की सुपरहिट थी। आप सभी को बता दें कि इस फिल्म के साथ ही ऐश्वर्या और सलमान का कनेक्शन शुरू हुआ था, या ये कह सकते हैं इनके लव अफेयर की शुरुआत हुई थी। सलमान ऐश्वर्या जो कि दूसरों को डेट कर रहे थे, लेकिन चर्चाएं जहां चारों तरफ थी लेकिन इनके प्यार की मंजिल नहीं पहुंच पाई और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। वेल, आप सभी को बता दें, खैर प्रमोशन के दौरान सलमान से ये सवाल तो कर लिया गया, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा पहली दफ़ा है जब सलमान से ऐश्वर्या को लेकर कोई सवाल किया गया हो? जी नहीं, इससे पहले भी सलमान से कई दफ़ा ऐश्वर्या को लेकर कई सारे सवाल किए जा चुके हैं। आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले सलमान से एक इवेंट के दौरान ये पूछा गया था, जब सलमान नज़र आए थे कि एक मोबाइल कंपनी को प्रमोट करते हुए, तो उस दौरान सलमान से पूछा गया ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेगनेंसी को लेकर। दरअसल ये बात बहुत पुरानी है, जब उस दौरान ऐश्वर्या ने आराध्या बच्चन को जन्म दिया था तब सलमान ने ये कहा था ऐश्वर्या राय को लेकर कि मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, मैं आगे आने वाले टाइम पर चाहता हूँ कि ऐश्वर्या और अभिषेक क्रिकेट टीम तैयार करें। लेकिन यहाँ पर लोगों ने सोचा कि सलमान इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक बार फिर से सलमान ने अपनी बातों से
सबकी करती बोलती बंद। और अवार्ड फंक्शन का एक नज़ारा जिससे कोई भी नहीं छुपा है, बता दें कि ये अवार्ड फंक्शन का नज़ारा जब करण जौहर और सलमान खान एक अवार्ड फंक्शन में नज़र आए थे, जब सलमान करण जौहर से सवालात कर रहे थे। जी हाँ, उनसे पूछा सलमान खान ने कि आप दुनिया में अगर आपको किसी की लड़की की तरह बनने का मौका मिले तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे, तो इस पर करण जौहर ने तपाक से जवाब दे दिया, ऐश्वर्या राय बच्चन। वेल लीजिए फिर क्या था, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम तो लिया ही सलमान ने। तो इस पर सब हूटिंग करने लगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि उस दौरान सिर्फ करण ऐश्वर्या राय बोलते हैं, तो वहीं सलमान ऐश्वर्या राय बच्चन कंप्लीट करके उनको बताते हैं। आप सभी को बता दें जब सलमान इस पर पूछते हैं वजह, तो उसी दौरान करण जौहर पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप पूछ रहे हैं वजह। लेकिन माने तो सलमान जिस तरह से अपने स्वभाव को लेकर जाने जाते हैं, तो यकीनन उस समय उनको गुस्सा जरूर आया होगा, लेकिन उन्होंने बातों का जवाब बड़े ही आराम से और तरीके से दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये ऐसा मौका नहीं है जब सिर्फ सलमान से ऐश्वर्या को लेकर सवाल किए गए हों, कई बार ऐसा होता है कि बस ऐश्वर्या से भी सलमान को लेकर सवाल किए जा चुके हैं। दरअसल आप सभी को याद दिला दें कि ऐश्वर्या को लेकर जब वो फिल्म सरबजीत कर रही थी और सरबजीत के प्रमोशन में पहुंची थी, तब वहीं पर सलमान से जुड़ा एक सवाल कर लिया गया। वेल ऐश्वर्या ने उस सवाल को कर दिया पूरी तरह से इग्नोर। जी हाँ, उस समय उस सवाल का जवाब देते हुए नजर आए फिल्म के डायरेक्टर। आप सभी को बता दें कि खबरें कुछ इस तरह से भी हैं, जब ऐश्वर्या से एक शो के दौरान, एक चैट शो के दौरान उनसे सलमान से रिलेटेड कुछ सवालात किए जा रहे थे, तब ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, और नाराज़ कुछ इस तरह से हो गई थी कि ऐश्वर्या वहाँ से उठकर चली गई, और उन्होंने वापसी के लिए ये शर्त रखी वो वापस तभी लौटेंगी जब वो सारी फुटेज डिलीट कर दी जाएगी और उनसे सलमान से जुड़ा कोई भी सवाल ना किया जाए। पर बता दें कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, इसमें ना चाहते हुए भी एक्स लवर्स का कई दफ़ा कई बार आमना सामना हो चुका है। कि किस तरह से जब जब सलमान के सामने ऐश्वर्या का नाम आया, उन्होंने हमेशा ही जवाब दिया और बड़े ही अच्छे से। फिर चाहे करण जौहर से उनका मजाकिया अंदाज हो, या करण जौहर ने जब उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा हो, चाहे मीडिया से उनका सवाल करना हो, हमेशा ही सलमान बड़े ही आराम से और तरीके से बात करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, ये बात कहीं ना कहीं साबित करती है कि आज भी सलमान के मन में जो कि ऐश्वर्या के लिए रिस्पेक्ट है। आप सभी को बता दें कि ऐसी कई दफ़ा हो चुका है, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, कि अगर आपको याद दिला दें कि एक दफ़ा जब सलमान से पूछा गया था ऐश्वर्या को लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर, तो यहाँ पर सलमान ने बड़े ही आराम से सवाल का जवाब दिया कि वो अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए खुश हैं, यहाँ तक वो चाहते हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या क्रिकेट टीम तैयार कर लें। तो वह बता दें कि ऐसे कई सारे मजाकिया अंदाज में वो जवाब देते हुए नजर आए हैं, और जब जब उन्हें मिला है तो वो मौका वो प्रमोट भी किया है उन्होंने। अब चाहे फिल्म फन्ने खान हो या फिर बात करें ऐश्वर्या से जुड़ा कोई भी मुद्दा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की ऐश्वर्या सलमान के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।